हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरुही और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर वो आपको बार बार ब्लॉक करती है, यानी कि आपकी गर्लफ्रेंड हो गई या फिर आपकी पार्टनर कोई भी हो, तो फिर वो आपको बार बार अगर ब्लॉक करती है तो उसका रीज़न क्या है। रीज़न को फाइंड आउट करना होगा ना, गलती सुधारो वरना ये आपको बार बार झेलना पड़ेगा। कोई आपको ब्लॉक तभी करता है जब वो बहुत ज़्यादा ही गुस्सा हो जाए। क्यों? क्योंकि वो हर्ट हो गया है, आपने उसे हर्ट किया। कोई ऐसी बात जो आपने उसे पूछ ली या फिर आपने उनको बोल दी या फिर आपने उनसे बहुत ज़्यादा झगड़ा कर लिया, अगर झगड़ा भी कर लिया तो फिर भी वो ब्लॉक ही कर देगी ना, क्योंकि अब आप जाओ नहीं बात करनी तुमसे, कुछ ऐसी सिचुएशन हो जाती है। और इसका सबसे सिंपल तरीका होता है ब्लॉक करना। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ होती है पार्टनर पे भरोसे की कमी। आपने उनका भरोसा जो है तोड़ दिया है, उन्होंने आपको किसी और के साथ देख लिया है या फिर उनके मन में आपके लिए डाउट आ गई है। अब ये डाउट कहीं से भी आ सकता है, अगर आपने उनका फोन रिसीव नहीं किया, आपने उनको सरप्राइज गिफ्ट नहीं दिए, आपने उनका बर्थडे भूल गया या फिर आपने उन्हें कुछ ऐसा कह दिया जिसके वजह से उन्हें भरोसा नहीं होगा, तो आपको भरोसा बनाए रखना काफ़ी ज़रूरी होता है। हो सकता है भरोसे की कमी की वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। तीसरी चीज़ है शक करना। अरे यार, तुम पे शक कर लिया उन्होंने। डाउट की कोई भी दवा नहीं होती, इसका कोई इलाज ही नहीं होता। बस आपको सामने जाके बहुत सारा उनसे शारी और अपने भरोसे को बनाए रखने के लिए कुछ चीज़ें करनी होती है। तो बी लॉयर, उनको शक ना होने दे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि वो आपको ब्लैकमेल करना चाहती है, इमोशनली ब्लैकमेल, किसी चीज़ का बदला ले रही है, इस वजह से उन्होंने आपको ब्लैकमेल कर रखा है और ब्लॉक कर रखा है। तो इस वजह से आप ये भी सोच सकते हो कि अगर कुछ ऐसा है तो बी केयरफुल। अगली चीज़ है मानसिक विकृति, यानी कि वो मेंटली स्ट्रेस्ड है, उनके पास बहुत ज़्यादा टेंशन है जिस वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर रखा है। हो सकता है आपकी वजह से उन्हें बहुत टेंशन हो रही होगी, इस वजह से उन्होंने आपको ब्लॉक कर दिया। ये सारी चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो आपको ब्लॉक कर दिया। आपका रीज़न क्या है ज़रूर से ज़रूर कहो। हेलो दोस्तों, मैं हूँ आरुही और आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पाने के लिए सबसे पहले चाहिए आप प्ले स्टोर पे, फिर आप वहाँ से डाउनलोड कीजिए कॉल मी फोन ऐप, और उसके बाद आपको करना है मेरा आईडी सर्च। तो मेरा आईडी है आरुही1@cf4 और जस्ट कॉल मी।